Hello, dear students. Today we will read chapter 4 Flames in the Forest by Ruskin Bond from class 7 from English Ally course book. So, basically, this is the nature adventure. So, let's start. In this chapter, we will read a story about two boys caught in a forest fire. So, let's start. वाइल्ड फायरस और फॉरेस्ट फायरस आर अ काइंड ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर बच्चों जो वाइल्ड फायर होती है फॉरेस्ट फायर जो जंगल में आग लगती है वो एक तरह का प्राकृतिक डिज़ास्टर है विनाश है द कॉज कैन बी ईधर मैन मेड और नेचुरल और जो ये इसका कारण कुछ भी हो सकता है या तो ये इंसान का किया हुआ हो सकता है या प्राकृतिक भी हो सकता है फॉरेस्ट फायर्स कैन बर्न एकर्स ऑफ लैंड एंड कंज्यूम एवरी थिंग ऑन इट्स पाथ इन नो टाइम और बिना किसी समय के यानी कि बहुत तेजी से ये जो फॉरेस्ट फायर है ये इतनी तेज़ जल्दी से फैलती है कि एकर्स ऑफ लैंड को कंज्यूम कर लेती है उसके रास्ते में जो भी आता है उतनी जल्दी में वो सबका विनाश कर देती है रीड दिस स्टोरी इन विच टू बॉयज एंड न्यूमरस वाइल्ड एनिमल्स आर कॉट इन रेजिंग फॉरेस्ट फायर तो आइए ये स्टोरी पढ़ते हैं ये कहानी पढ़ते हैं जिसमें दो लड़के और बहुत सारे जंगली जानवर जो हैं वो उस आग की चपेट में आते हैं जो आग का प्रकोप है जंगल की आग का तो आइए कहानी शुरू करते हैं एज रोमी वॉज अबाउट टू माउंट हिज बाइसिकल ही सॉ स्मोक राइजिंग फ्रॉम बिहाइंड द डिस्टेंट लाइन ऑफ ट्रीज जैसे ही रोमी साइकिल पर चढ़ने वाला था तो उसने क्या देखा कि उसके पीछे से पेड़ों की जो एक रेखा है लाइन है डिस्टेंट लाइन उसमें क्या है धुआं उठ रहा है इट लुक्स लाइक अ फॉरेस्ट फायर सेट प्रेम हिज फ्रेंड तो अब रोमी के दोस्त ने क्या कहा जो प्रेम है उसका नाम उसके दोस्त ने क्या कहा कि ये लगता है जंगल की आग है इट्स वेल्ट टू द ईस्ट ये पूर्व की तरफ लगी है रोमी ने कहा नो वेयर नियर द रोड रोड के पास नहीं देयर इज अस्ट्रॉन्ग विंड सेट प्रेम प्रेम ने कहा वहाँ बहुत तेज हवा चल रही है लुकिंग एट द ड्राई लीव स्वर्लिंग द रोड तो देखो जो ड्राई लीव्स हैं सूखे पत्ते हैं वो रोड की तरफ स्वर्ड कर रहे हैं बच्चों स्वर्लिंग होता है मूविंग इन ट्विस्टिंग और स्पायरलिंग पैटर्न ऐसे गोल गोल घूमना जैसे हवा में कोई भी चीज़ हल्के जैसे पत्ते हो गए ना ये ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं इट वॉज द मिडल ऑफ मे ये मई महीने का मिडल था एंड इट हैड रेन फॉर सेवरल वीक्स और कुछ कई हफ्तों से बारिश भी नहीं हुई थी यानी कि बहुत गर्मी का महीना था और बारिश भी नहीं हुई थी द ग्रास वॉज ब्राउन और घास सूख चुकी थी द ट्री लीव्स कवर्ड विद डस्ट और जो पेड़ के पत्ते थे वो भी पूरे कवर हो चुके थे धूल से इवन दो इट वॉज सिक्स इन द इवनिंग द बॉय शर्ट्स वर डैम्प विद स्वेट जबकि ये ये शाम के छः बजे हुए थे फिर भी जो लड़के थे दोनों की जो शर्ट है वो डैम्प हो चुकी थी स्वेट में पसीने में डैम्प फिर मीन्स वेट गीली हो चुकी थी स्वेट में पसीने में इट विल बी डार्क सोन सेड प्रेम प्रेम ने कहा कि जल्दी ही अंधेरा होने वाला है यू वुड बेटर स्पेंड द नाइट एट माई हाउस ये ठीक रहेगा तुम ये रात आज की रात मेरे साथ मेरे घर पर गुजारो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज नो माई फादर इज इन कीपिंग वेल अब उसने कहा uh, रोमी ने कहा नहीं मेरे फादर जो हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है द डॉक्टर हैज़ गिवन मी समॉर हिम डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ उनके लिए दी हैं इट विल टेक मी ओनली फोर्टी मिनट्स टू राइड थ्रू द फॉरेस्ट और लगभग मुझे चालीस मिनट लगेंगे इस जंगल को पार करने में इज विलेज ले सेवन माइल्स अवे ऑन द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट और जो रोमी का जो गांव था वो सात मील की दूरी पर था उस जंगल को पार करने करने के बाद जंगल के दूसरी तरफ रोमी रोड स्विफ्टली आउट ऑफ द विलेज अब वो गांव से अच्छे से आ, साइकिल पर चला गया अहेड ऑफ हिम द स्मोक रोज फ्रॉम द बर्निंग फॉरेस्ट एंड द स्काई ग्लोड रेड अब क्या है जो आसमान जो है पूरा लाल हो गया लाल चमकने लगा और जो स्मोक है धुआं जो है वो उठने लगा जलते हुए जंगल की तरफ से उसके आगे की तरफ ही सून लेट द विलेज फार बिहाइंड अब उसने थोड़ी ही देर में गांव को बहुत दूर छोड़ दिया मतलब वो राइड कर रहे हैं ना बाइसिकल पे इट वॉज़ अ रफ डस्टी रोड विच कट स्ट्रेट थ्रू द फॉरेस्ट और ये बहुत ही रफ रोड है और डस्टी रोड है धूल भरा है विच कट स्ट्रेट थ्रू द फॉरेस्ट जो कि जंगल से सीधा गुजरता है टॉल ट्रीज ग्रू ऑन ईदर साइड और जो दोनों तरफ जो हैं लंबे लंबे पेड़ हैं कटिंग ऑफ द लास्ट ऑफ द डे लाइट और इसमें क्या है अंधेरा हो रहा है मतलब लास्ट डे जो लास्ट लाइट जो डे लाइट है दिन की जो रोशनी है थोड़ी सी रह गई है बट द स्प्रेडिंग ग्लो ऑफ द फायर ऑन द राइट लिट अप द रोड एंड जॉइंट ट्री शेडोज डांस बिफोर द बॉय ऑन द बाइसिकल अब क्या होता है बच्चों अभी अंधेरा तो होने लगे क्योंकि दिन छिप रहा है बर, लेकिन जो फैलती हुई जो चमक है आग की जो ग्लो है उससे क्या है पूरे रास्ते पर रोड पर रोशनी है और जो बड़े बड़े ट्रीज़ के जो जॉइंट ट्रीज़ हैं बड़े बड़े ट्री हैं उनके शेडो जो है उनकी छाया ऐसी लग रही है जैसे उस लड़के की बाइसिकल के आगे वो पेड़ों की छाया डांस करती हो इट वॉज़ अलाइव वाइल्ड विद वाइल्ड क्रिएचर्स फ्लिंग द फॉरेस्ट फायर और ये एकदम जिंदा जो वाइल्ड क्रिएचर्स हैं वो फ्लिंग द फॉरेस्ट फायर फॉरेस्ट फायर पे फ्लिंग होता है बच्चों रनिंग अवे फ्रॉम अ सिचुएशन और अ प्लेस ऑफ डेंजर एक जगह जहाँ खतरा हो या ऐसी कोई सिचुएशन हो वहाँ से भाग जाना तो वाइल्ड क्रिएचर्स वहाँ पर भाग रहे थे फॉरेस्ट फायर को देखकर The first animal that Romi saw was a hare. जो रोमी ने सबसे पहले जिस जानवर को देखा वो एक खरगोश था. Leaping across the road in front of him. और उसके सामने से ही वो उस सड़क पर उसे दिखा. It was followed by several more hares. और उसके पीछे-पीछे और भी बहुत सारे खरगोश आए. Then a band of monkeys streamed across. चैटरिंग एक्साइटेडली और उसके बाद एक मंकीज़ का बैंड स्ट्रीनड करॉस तो चैटरिंग हेयर मीन्स बच्चों मेकिंग अ सीरीज ऑफ शॉर्ट क्विक हाई पिस्ड साउंड्स बहुत अजीब अजीब आवाज़ें बनाना और एक्साइटेड थे और मंकीज़ जो हैं उसके बाद हेयर्स के बाद मंकी दिखाई थी द फायर वॉज कमिंग क्लोजर अब जो आग है वो बहुत और नज़दीक आती जा रही थी रोमी पैडल्ड हॉर्डर अब रोमी ने क्या किया पैडल साइकिल का और तेज चलाना शुरू किया बहुत तेज साइकिल चलाने शुरू कर दी सडनली फ्रॉम द साइड ऑफ द रोड सेवरल फीजेंट्स रोज इन द एयर एंड विद द वूश फ्लू लो एक्रॉस द पाथ जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑनकमिंग बाइसिकल अचानक क्या हुआ रोड की साइड से कुछ फीजेंट्स फीजेंट्स होते हैं लॉन्ग टेल्ड बर्ड्स दैट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द ग्राउंड ऐसे पक्षी जो बहुत सारा समय अपना धरती पर गुजारते हैं उड़ते नहीं हैं वो लॉन्ग टेल बर्ड्स होती हैं वो फीजेंट्स कहलाती हैं तो वो वो हवा में उठी हुई दिखाई दी और फ्लू लो एक द पाथ और उस पाथ के ऊपर से ही थोड़ा सा ऊपर से उड़ती हुई नजर आई जस्ट इन रो ऑफ द ऑनकमिंग बाइसिकल बाइसिकल के थोड़े से आगे से टेकन बाई सरप्राइज हैरानी के साथ रोमी फैल ऑफ और रोमी गिर गया ही पिकड हिमसेल्फ अप अब उसने अपने आप को उठाया एंड माउंटेड द बाईसिकल अगेन और दोबारा से बाइसिकल पर चढ़ गया ही रोड अब इट्स स्लोवर ना हो अब उसने थोड़ी सी धीरे साइकिल चलाई बिकॉज बर्ड्स एंड एनिमल्स कैप्ट कमिंग आउट ऑफ द बुश क्योंकि जो झाड़ियाँ थी रोड के दोनों तरफ वहाँ से पक्षी और जो एनिमल्स थे वो लगातार आते जा रहे थे स्मॉलर बर्ड्स टू वर स्ट्रीमिंग अक्रॉस द रोड्स। पैरट्स जंगल क्रोस आउल्स मैकपाइज एंड द एयर वॉज फिल्ड विद देयर क्राइज और जो स्मॉल पक्षी थे जो छोटे छोटे पक्षी थे वो भी स्ट्रीमिंग अक्रॉस द रोड वो स्ट्रीमिंग होता है मूविंग लाइक अ स्ट्रीम ऑफ वाटर जैसे पानी का एक स्ट्रीम बहती है बच्चों उसी तरीके से वो सब रोड को क्रॉस कर रहे थे छोटे छोटे पक्षी भी जैसे पैरट जंगल क्रोज आउल्स मैग पाइज ये सब और एयर जो है फिल्ड विद देयर क्राइज और जो हवा में पूरे वातावरण में उनकी चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी एवरी वन वॉज ऑन द मूव थाट रोमी अब रोमी ने क्या सोचा कि हर एक कोई जो है वो यहाँ से जा रहा है चल रहा है इट मस्ट बी अ रियली बिग फायर ये सच में कोई बहुत बड़ी आग है द फ्लेम्स वॉर रीचिंग आउट फ्राम बिहाइंड द ट्रीज ऑन इज़ राइट अब उसके जो राइट uh, साइड right में जो ट्रीज के पीछे से जो फ्लेम्स हैं वो भी आगे आती जा रही थी ही कुड हियर द क्रैकलिंग एज द ड्राई लीव fire जैसे जैसे सूखे पत्ते आग पकड़ते जा रहे थे तो वो उनकी क्रैक होने की आवाज़ भी सुनता जा रहा था द एयर वॉज हॉट ऑन इज फेस उसके चेहरे पर बहुत तेज गर्म हवा आ रही थी लीव स्टिल अलाइट और टर्निंग टू सिंडर्स फ्लोटेड पास्ट बच्चों, सिंडर्स होता है एशेज यानी कि राख जैसे जलने के बाद तो एयर जो थी वो बहुत गर्म थी उसके चेहरे पर आ रही थी और जो लीव्स थी जो पत्ते थे वो जलते जा रहे थे और ऐशेज बनते जा रहे थे और पीछे की तरफ उड़ते जा रहे थे और हर्ड ऑफ डियर क्रॉस द रोड अब एक हिरणों के झुंड ने भी क्रॉस किया रोड को क्रॉस किया फॉर द फर्स्ट टाइम रोमी फेल्ट फ्रेड पहली बार अब रोमी डरा था फ्रॉम अ हेड केम फेंट क्लैंगिंग साउंड अब उसके सामने से एक ऐसे क्लैंगिंग साउंड आने लगे द क्लैंगिंग नियर केम नियरर एंड रोमी डिस्कवर दैट इट वॉज अ स्मॉल बॉय रनिंग अलॉन्ग द फॉरेस्ट पाथ टू मिल्क कैंस क्लैटरिंग एट साइड अब जैसे जैसे ये आवाज़ आती जा रही थी उसके करीब तो रोमी ने क्या पाया कि एक छोटा बच्चा है जो भागा चला आ रहा है उस जंगल के रास्ते पर और जो दो मिल्क की कैंस हैं उसके हाथ में जो स्टील की हैं वो क्लैटरिंग कर रही हैं क्लैटरिंग होता है कंटिन्यूस रैटलिंग साउंड मेड बाय अ हार्ड ऑब्जेक्ट हिटिंग अगेंस्ट अनदर हार्ड ऑब्जेक्ट जैसे कोई दो बर्तन टकराते हैं और वो लगातार खटखट की आवाज करते रहते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड क्लैटरिंग तो तेजू कॉल्ड रोमी रिकोगनाइजिंग द बॉय वट आर यू डूइंग हेयर अब रोमी उस लड़के को पहचान गया रोमी ने बोला तेजू इसका मतलब उस लड़के का नाम उसको पहचान गया और उसका नाम था तेजू तो उसने क्या पूछा रोमी ने वट आर यू डूइंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो ट्राइंग टू गेट होम सेट तेजू तेजू ने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ घर जाने की पेंटिंग अलोंग डिसाइड्स द साइकिल जम्प ऑन सेट रोमी स्टॉपिंग फॉर हिम अब रोमी ने क्या किया साइकिल को रोका और उसने क्या कहा जम्प ऑन जल्दी से आओ साइकिल पर तेजू वॉज ओनली एट और नाइन तेजू मुश्किल से आठ या नौ साल का लड़का था कपल ऑफ ईयर्स यंगर देन रोमी रोमी से कुछ ही साल छोटा ही गॉट अप ऑन द क्रॉस बार ऑफ द बाइसिकल एंड रोमी मूव ऑन अगेन अब वो जल्दी से क्रॉस बार जो साइकिल की होती है उस पर बैठ गए आगे और रोमी ने फिर से साइकिल को चलाना शुरू किया कीपिंग बीटिंग योर मिल्क कैंस ने कहा जो आपकी मिल्क कैंस हैं आपके हाथ में उनको लगातार आप एक दूसरे से बजाते रहो द एनिमल्स विल नो वी आर कमिंग तो एनिमल्स को पता चल जाएगा कि इस रास्ते में कोई आ रहा है आई नेवर न्यू देयर वर सो मैनी एनिमल्स इन द जंगल सेड तेजू तेजू ने कहा कि मुझे नहीं कभी भी पता था कि जंगल में इतने सारे एनिमल्स रहते हैं I saw a python in the middle of the road. मैंने रोड के बीच में पाइथन देखा It stretched right across और वो पूरा राइट की तरफ फुला फैला हुआ था The fire was much closer now. अब जो आग है वो तेजी से और क्लोज आती जा रही थी Flames shot up from the dry grass and ran up the trunks of the trees and along the branches. अब जो है आग ऊपर की तरफ उठती जा रही थी आ, सूखी घास में और फिर पेड़ों की जो ट्री जो पेड़ों की जो टहनियाँ हैं और उनके जो ट्रंक्स हैं उन पर सब पर आग फैलती जा रही थी स्मोक बिलोड आउट एब द फॉरेस्ट बच्चों बिलोड है स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया एक बड़े लार्ज एरिया में फैल जाना जो धुआँ है वो पूरे लार्ज पूरे फॉरेस्ट में फैल गया था अब आगे बढ़ते हैं बच्चों रोमीज आइज वर स्मार्टिंग आइज वर स्मार्टिंग बच्चों इट इसका मतलब है द आइज वर फीलिंग शार्प स्टिंगिंग पेन बिकॉज ऑफ स्मोक धुएं के कारण हमारी आंखें कई बार जलने लग जाती है ना तो आइज़ वर स्मार्टिंग इसका मतलब ये है तो रोमी की आंखें धुएं की वजह से जलने लगी थी एंड हिज हेयर एंड आईब्रोज फेल्ट स्कॉस्ड और उसके जो बाल हैं और जो उसकी आईब्रोज हैं उनको उसमें क्या फील हो रहा था उसको स्कॉस्ड स्कॉस्ड होता है वेरी हॉट ही वॉज टायर्ड बट ही कूडन स्टॉप वो थक चुका था लेकिन वो रुक नहीं सकता था ही हैड टू गेट बियॉन्ड द रेंज ऑफ द फायर उसको उस आग की uh, जो रेंज थी उससे बाहर निकलना ही था एंड अदर फिफ्टीन मिनट्स ऑफ स्टडी राइडिंग वुड गेट दैम टू द स्मॉल वुडन ब्रिज ओवर द लिटिल रिवर सेपरेटिंग द फॉरेस्ट फ्रॉम द सुगर केन फील्ड्स और एनअर जो अगले पंद्रह मिनट थे अगर उस जब तक वो साइकिल ऐसे स्टडी चलाता रहा तो उससे क्या होगा वो एक स्मॉल लकड़ी के ब्रिज तक पहुंच जाएंगे जो कि एक छोटी सी नदी पर बना हुआ है जो जंगल को शुगर केन के फील्ड से अलग करता है यानी कि ये जैसे ही वो वुडन के पुल पर पहुंच गए उस नदी पर तो वहाँ पर उन्हें एक गन्ने का खेत मिलेगा जहाँ पर आग नहीं लगी हुई या जंगल तक ही आग लग लगी है वंस एकर द रिवर दे वुड बी सेफ जैसे ही वो नदी के पास क्रॉस कर लेंगे और वो सेफ हो जाएंगे अ टॉल सिल्क कॉटन ट्री हैड कॉटफायर अब क्या हुआ एक लंबा सा जो सिल्क कॉटन ट्री है उसने भी आग पकड़ ली देवर ऑलमोस्ट बीनीथ इट वेन देअर वॉज अ क्रैश एंड अ बर्निंग ब्रांच फेल टू द ग्राउंड ऑफ फ्यू यार्ड्स इन फ्रंट ऑफ दैम अब जैसे ही उस कॉटन ट्री में आग लगी वो बिल्कुल उसके नीचे ही थे वो दोनों जब वो पेड़ क्रैश हुआ और एक जो बर्निंग एक जलती हुई जो टहनी है वो बिल्कुल उनके कुछ यार्ड पहले ही उनके आगे रही द बॉयज गॉट ऑफ द बाइसिकल एंड लेफ्ट द रोड अब उन्होंने रोड को छोड़ दिया फोर्सिंग देयर वे थ्रू अ टैंगल ऑफ थॉर्नी बोश पोशिंग एट द बाइसिकल एंड ओनली रिटर्निंग टू द रोड सेम डिस्टेंस अहेड ऑफ द बर्निंग ट्री अब क्या होता है बच्चों जैसे उन्होंने रोड छोड़ा तो उनका जो रास्ता है वो उलझ गया उसमें थॉर्नी बश थे कांटेदार झाड़ियाँ थी उससे क्या हुआ बाइसिकल को पुश नहीं कर पाए और ओनली रिटर्निंग टू द रोड सेम डिस्टेंस एड जो बर्निंग ट्री था उससे थोड़ा सा आगे जाके उन्हें वही रोड पकड़ना पड़ा वी वॉन्ट गेट आउट इन टाइम सैट तेजू तेजू ने कहा हम टाइम पर नहीं आउट हो पाएंगे यहाँ से बैक ऑन द क्रॉस बार फीलिंग डिसहार्टनड डिसहार्टेंड होता है बच्चों डिसअपॉइंटेड लॉस कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस उनका लॉस्ट हो चुका था दोनों का और उन्होंने रोमी ने उससे कहा बैक टू द क्रॉस बार यस वी विल सेड रोमी रोमी ने कहा हम निकल पाएंगे यस yes, हम इस आग से बाहर निकल पाएंगे पैडलिंग विद ऑल हिज माइट अब जितनी ताकत उसमें थी रोमी में उसने पैडलिंग शुरू की बहुत तेज तेज़ पैडल मारने शुरू किए द फायर हैजेंट क्रॉस द रोड एज येट उसने कहा कि अभी तक जो है रोड को क्रॉस नहीं कर पाई है फायर ओ लुक ही एस क्लीन ब्रिंगिंग द बाइसिकल टू अ सडन स्टॉप उसने एकदम से साइकिल को रोक दिया उसने कहा वो देखो तेजू रब्ड ही सोर आइज एंड थ्रो द स्मोक सो एन एलिफेंट स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड अब तेजु ने अपनी आँखें से रगड़ना शुरू किया उसकी दुख रही थी आँखें और उसने क्या देखा जो धुआँ हैं उसमें उसने एक एलिफेंट को देखा रोड के बिल्कुल बीच में खड़ा है ही द क्रॉस बार हिज स्कैंस फेल एंड बर्स्ट ओपन स्पिलिंग देयर कंटेंट अब जो उसके जो हाथ में डब्बे थे स्टील के वो नीचे गिर गए और उसमें जो भी था वो गिर गया और वो उस क्रॉस बार से स्पिल हो गया नीचे फिसल गया द एलिफेंट वॉज अबाउट फोर्टी फीट अवे और जो एलिफेंट था वो चालीस फीट दूर था इट मूव्ड अबाउट रेस्टलेसली इट्स बिग ईयर्स फ्लैपिंग एज इट टर्न इट्स हैड फ्रॉम साइड टू साइड वंडरिंग विच वे टू गो अब जंगल में आग लग गई थी तो अब हाथी को भी समझ नहीं आ रहा था किस रास्ते पर जाऊँ किधर जाऊँ तो अपने कानों को तेज तेज वो फ्लैप कर रहा था हिला रहा था फ्रॉम फार टू द लेफ्ट हार्ड ऑफ एलिफेंट्स मूव टूअर्ड्स द रिवर और एक पूरा झुंड जो था हाथियों का वो पूरा रिवर की तरफ जा रहा था द लीडर ऑफ द हर्ड रेज हिज ट्रंक एंड ट्रम्पटेड अ कॉल और जो हाथियों के झुंड का जो लीडर था जो हाथी था उसने अपनी सूंड उठाकर और एक ट्रम्प किया तेज आवाज़ निकाली कॉल किया सबको बुलाने के लिए हियरिंग इट द एलिफेंट ऑन द रोड रेज हिज ओन ट्रंक एंड ट्रम्पटेड रिप्लाई और ये आवाज़ सुन के एलिफेंट जो रोड पर था उसने भी अपनी सूंड उठाई और वैसे ही ट्रम्प का एक उसने भी रिप्लाई किया इट्स शैम्बल्ड ऑफ इन टू द फॉरेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द हर्ड शैम्बल्ड ऑफ होता है बच्चों वॉकड ऑफ ऑकवर्डली यानी कि वहाँ से चले जाना तो वो उस डायरेक्शन में जहाँ पे झुंड था जहाँ से आवाज आई थी वो हाथी भी वहाँ से चला गया तेजू ऑन जामपॉन अर्ज्रोमी अब रोमी ने उसे तेजू को क्या कहा ऑन जल्दी से साइकिल पे बैठो तेजू फॉर फॉर अबाउट हिज मिल्क कैंस एंड पुल्ड हिमसेल्फ अप ऑन द क्रॉस बार अपेजो जो है अपने मिल कैंस को वहीं भूल गए और उसने जल्दी से अपने आप को क्रॉस बार पे दोबारा से बैठाया इट सेम दैट ऑल द एनिमल्स हु कुड गेट अवे हैड डन सो और ऐसा लग रहा था एनिमल्स जो जैसा कर सकता था सब ने किया द एक्सोडस एक््रॉस द रोड हैड स्टॉप एक्सोडस होता है बच्चों अ मास डिपार्चर मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का जाना जो रोड पर जितने भी सब जा रहे थे वो सब स्टॉप हो गया वी वॉन्ट स्टॉप अगेन सैड रोम ग्रीटिंग टीथ ग्रीटिंग होता है से दांतों को एकदम दांतों को दांतों से भिड़ा देना तो वो उसने रोमी ने क्या कहा हाँ, हम अभी रुक नहीं सकते हैं अ जैकल ओवरकम बाय द हीट एंड स्मोक ले इन द मिडल ऑफ द पाथ अब क्या हुआ ओवरकम है हेयर ओवरपावर्ड अब आग की वजह से और स्मोक की वजह से धुआं और जो आग थी गर्मी थी वो मिडल में रास्ते के मिडल में एक जैकल आ गया इधर डेड और अनकॉन्शियस बहुत बेहोश था या फिर वो डेड था रोमी डिड नॉट स्टॉप अब रोमी रुक नहीं सकता था ही स्वर्ड अराउंड द एनिमल एंड कवर द लास्ट हंड्रेड यार्ड्स एट टॉप स्पीड देवर आउट ऑफ द फॉरेस्ट अब उसने बहुत तेज साइकिल चलाना शुरू किया ही स्वर्ड स्वर्ड बोलते हैं सडनली चेंज डायरेक्शन इन ऑर्डर टू अवॉइड हिटिंग समथिंग किसी को बिना हिट किए सडनली कुछ डायरेक्शन चेंज करके उसने बहुत तेज साइकिल चलाना शुरू किया और वो फॉरेस्ट के बाहर थे लुक शाउटेड तेजू द ब्रिज इज ऑन फायर उसने कहा देखो ब्रिज जो है ब्रिज पर भी आग लग गई है बर्निंग एम्बर्स हैड फ्लोटेड डाउन टू द स्मॉल वुडन ब्रिज बर्निंग एम्बर्स एम्बर्स होते हैं जैसे कोयला की जो जले हुए uh, लाल रंग के से चमकते हैं ना बच्चों आग की वजह से तो वो अंगारे जैसे जलते हुए अंगारे वो फ्लॉट कर रहे हैं स्मॉल वुडन ब्रिज पर एंड द एशियंट टिम्बर हैड क्विकली कॉट फायर और जो पुराना ये टिम्बर का जो ब्रिज बना हुआ है इसने बहुत जल्दी आग पकड़ ली है इट वॉज नाउ बर्निंग फायरसली और ये बहुत तेजी से अब जल रहा है रोमी डिड नॉट हेजिटेट लेकिन रोमी अभी भी हिचकिचाया नहीं ही लेफ्ट द रोड उसने रोड को छोड़ दिया राइडिंग द बाइसिकल ओवर सैंड एंड पेबल्स अब जो रास्ते में उसने रोड छोड़ के जो रास्ते में बाकी दूसरा रास्ता चेंज किया तो उसमें मिट्टी पर और जो कंकड़ थे उन पर उसने साइकिल चलाना शुरू किया विद अ रश दे वेंट डाउन द रिवर बैंक एंड इन टू द रिवर इन टू द वॉटर और बहुत जल्दी रश में वो रिवर के पास में रिवर के किनारे पर गए नदी पर और पानी के अंदर द नेक्स्ट थिंग दे न्यू दे वर स्प्लैशिंग अराउंड ट्राइंग टू फाइंड ईच अदर इन द डार्कनेस और अगली चीज़ जो थी वो ये थी कि अंधेरे में वो स्प्लैश कर रहे थे एक दूसरे के आसपास और ट्राई कर रहे थे एक दूसरे को ढूंढने में अंधेरे में हेल्प अब तेजू क्या चिल्ला रहे हैं जैसे वो पानी में गिर गए तो वो चिल्ला रहे कि हेल्प मुझे मदद चाहिए और मैं डूब रहा हूँ डोंट बी सिली सेड रोमी रोमी ने कहा मूर्ख मत बनो द वॉटर इज एन डीप पानी कोई गहरा नहीं है कम एंड ग्रैब होल्ड ऑफ मी मेरे आओ और मुझे पकड़ लो मेरे तेजु स्प्लैश अक्रॉस एंड ग्रैप रोमीज़ बेल्ट अब तेजु ने इधर उधर हाथ मारना शुरू किया स्पलैश और उसने रोमी की बेल्ट को पकड़ लिया द वॉटर इज़ सो कोल्ड पानी बहुत ठंडा है इसी ही सेड उसने कहा हीथ चैटरिंग उसके जो दांत हैं वो भी कटकटा रहे थे डू यू वॉन्ट टू गो बैक विद वॉर्म योर सेल्फ आज ड्रोमी रोमी ने कहा क्या तुम वापिस जाना चाहते हो अपने आप को गर्म करने के लिए कम ऑन हेल्प मी गेट द बाइसिकल अप आओ मेरी मदद करो इस साइकिल को ऊपर लाने में इट्स डाउन हेयर जस्ट वेयर वी आर स्टैंडिंग ये यहाँ गिरी हुई है जहाँ हम खड़े हैं टुगेदर दे मैनेज टू हीव द बाइसिकल आउट ऑफ द water. और दोनों ने कोशिश की और वो सफल हो गए पानी से बाहर साइकिल को निकालने में Heave होता है बच्चों टू लिफ्ट समथिंग हैवी यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट बहुत मेहनत से किसी चीज़ को खींच निकालना बैठ कर रोमी ने कहा मैं तुम्हें पुश करता हूं वी विल स्वेप्ड अवे सेट तेजू तेजू ने कहा हम दोनों स्वेप हो जाएंगे नो वी वॉन्ट नहीं हम नहीं होंगे द रिवर वॉज क्वाइट स्विफ्ट इन द मिडल अब जो बीच में थे वो दोनों स्विफ्ट इन द मिडल यहाँ पे मीनिंग है द वाटर इन द मिडल ऑफ द रिवर मूव्ड एट अ ग्रेट स्पीड बच्चों आपने देखा होगा किसी भी नदी का जो स्पीड होती है मिडल में बहुत तेज बहाव होता है करंट होता है बट हैविंग गॉड सेफली आउट ऑफ द बर्निंग फॉरेस्ट रोमी वॉज इन नो मूड टू लेट अ लिटिल रिवर डिफीट हिम अब इतनी भयंकर आग से जलते हुए जंगल से जब वो दोनों बाहर आ सकते हैं तो अब रोमी जो है इस नदी से हारना नहीं चाहता था हीक ऑफ हिज शूज़ अब उसने अपने जूते निकाल दिए नोइंग दे वुड बी लॉस्ट अब वो जानता था कि वो खो जाएंगे ग्रिपिंग द स्मूथ स्टोन ऑफ द रिवर बैड विद हिज टोज अब उसने जो नदी के जो तल तली में जो जितने भी पत्थर थे उनकी ग्रिप को लिया अपने टोज से पकड़ लिया ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन कीपिंग हिज बैलेंस अब उसने अपने बैलेंस को बनाए रखा उस पर कॉन्सेंट्रेट किया एंड गेटिंग द बाइसिकल थ्रू और बाइसिकल को बाहर निकाला द वॉटर केम अप टू हिज वेस्ट अब पानी उसके कमर तक आ रहा था एंड द करंट वुड हैव बीन टू स्ट्रांग फॉर तेजू टू क्रॉस बाय हिमसेल्फ और जो करंट था पानी का बहाव था वो बहुत स्ट्रांग था तेजु उन को क्रॉस करने के लिए When दे रीज द शैलोज जब वो थोड़ा सा कम पानी की तरफ पहुंचे तेजु गो डाउन एंड हेल्प रोमी पुश द बाइसिकल अब वो तेजू जो है उसने रोमी की हेल्प की बाइसिकल को बाहर की तरफ धकेलने में फाइनली दे रीज़ द अपोजिट बैंक एंड सैंग डाउन ऑन द ग्रास अब जैसे ही वो अपोजिट में नदी के किनारे पे पहुंचे वो दोनों घास पर बैठ गए वी कैन रेस्ट नाउ सेट रोमी रोमी ने कहा अब हम दोनों यहाँ पर आराम कर सकते हैं बट नॉट ऑल नाइट पर पूरी रात नहीं आई हैव गॉट सम मेडिसिन टू गिव टू माई फादर कुछ मेडिसिन हैं जो मुझे अपने पापा को देनी है ही फेल्ट इन हिस्स पॉकेट्स एंड फाउंड दैट द पिल्स इन दियर एनवलप हैड टर्न टू अ सॉगी मैस अब जैसे उसने फील किया कि मेरी पॉकेट में जो दवाइयाँ थीं वो जो एनवलप है वो कैसा हो गया सॉगी मैस हो गया सॉगी मतलब वेट गीला ओ वेल ही हैज़ टू टेक दैम विद वाटर एनी वेड उसने क्या कहा कोई बात नहीं उन्हें तो फिर भी पानी के साथ ही दवाई लेनी थी दे वॉच द फायर एज इट कंटिन्यू टू स्प्रेड थ्रू द फॉरेस्ट और वो लगातार उस जंगल की आग को देखते रहे जो लगातार फैलती जा रही थी द स्काई वॉज अ ब्राइट रेड आसमान पूरा लाल हो चुका था एंड द रिवर रिफ्लैक्ट दलर ऑफ द स्काई और जो स्काई का जो कलर है रिवर अब कुछ हाथियों ने उस नदी का भी रास्ता ढूंढ लिया था देवर कूलिंग ऑफ बाई स्प्रेइंग वाटर ऑन ईच अदर विदेट रंगस और जो हाथी हैं एक दूसरे को ठंडा कर रहे थे अपने सोन में पानी भर के एक दूसरे को पानी फेंक रहे थे एक दूसरे पे फर्दर डाउन स्ट्रीम देअर वर डियर एंड अदर एनिमल्स और थोड़ी ही दूर में उस स्ट्रीम में जो है कुछ और भी जानवर थे जैसे डियर और और भी जानवर रोमी एंड तेजू लुकड एट ईच अदर इन द ग्लो फ्रॉम द फायर अब रोमी और तेजू एक दूसरे को देख रहे थे उन्होंने जो ग्लो था उसका आग का उसकी रोशनी में एक दूसरे को देख पा रहे थे दे हैड एंड नो ईच अदर वेरी वेल बिफोर वो एक दूसरे को इससे पहले नहीं जानते थे बट दे हैड बीन फ्रेंड्स वॉरियर्स लेकिन अब उन्हें एहसास ऐसा फील हो रहा था ऐसा महसूस हो रहा था बच्चों कि वो एक दूसरे को बहुत सालों से दोस्त हैं और एक दूसरे को जानते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्लेम्स ऑफ द